इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी स्टडीड अबाउट द प्रीटो एफिशिएंसी और परीटो एफिशिएंट पॉइंट्स. तो उसमें हमने देखा था कि एन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज सच दैट नो पर्सन कैन बी मेड बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग अनदर पर्सन वर्स ऑफ. तो ये जो हमारे पास एक कंडीशन होती है इसको हमने प्रीटो एफिशिएंसी का जो है ना वो नाम दिया था. और उसमें हमने कहा था कि अगर हम एक पॉइंट से जो है ना वो स्टार्ट करते हैं और उस पॉइंट से एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है तो उस पॉइंट से जब हम डेविएट करते हैं तो उस डेविएशन की वजह से हम जब रीएलोकेशन करते हैं रिसोर्सेज की विदाउट अफेक्टिंग द वेलफेयर ऑफ अनदर पर्सन तो हमारे पास एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जिसको प्रीटो एफिशिएंट एलोकेशन का जो है ना वो नाम दिया जाता है. लुक एट दिस पॉइंट जी. ये हमारे पास एक इनिशियल पॉइंट है जहाँ से जो है ना वो हमने स्टार्ट किया था और फिर जी के बाद अब पॉइंट एच पे गया, यानी हमने जो है ना वो डेविएट किया पॉइंट जी से पॉइंट एच पे. तो यहाँ पे भी हमने देखा कि जो ईव है उसकी जो वेलफेयर है वो सेम थी, उसमें कोई जो है ना वो असर नहीं आया. फिर हम एच से जो है ना वो जब पी पे आए तो जो पॉइंट पी है दिस इज कॉल्ड प्रीटो एफिशिएंसी एलोकेशन. क्योंकि अगर इसके बाद जो है ना वो हम एडम के ऊपर वाले इंडिफरेंस कर्व पे जाते हैं तो उसमें क्या होगा कि जो ईव है उसका लोअर इंडिफरेंस कर्व जो है ना वो हमारे पास आ जाएगा. तो जब उसका लोअर इंडिफरेंस कर्व आ जाएगा तो इट मीन्स के हमने एडम को जो है ना वो बेनिफिट देने के लिए ईव का जो वेलफेयर का लेवल है वो कम कर दिया है. सो जीपी जो है दिस वुड बी आवर प्रीटो एफिशिएंट पॉइंट. और इससे अगर हम डेविएट करते हैं एफिशिएंट पॉइंट से, यानी प्रीटो एफिशिएंसी से अगर हम डेविएट करते हैं तो फिर इसका मतलब ये होगा कि हम वेलफेयर की तरफ नहीं जा रहे बल्कि एक बंदे को बेनिफिट देने के लिए दूसरे को जो है ना वो हम अफेक्ट जो है ना वो कर रहे हैं. अब यहाँ पे इससे प्रीटो एफिशिएंसी से रिलेटेड एक और हमारे पास जो है ना वो नोशन है जिसको हम कहते हैं प्रीटो इम्प्रूवमेंट. जैसे कल जो है ना वो बच्ची ने पूछा भी था, आई थिंक कवल शहजादी ने जो है ना वो पूछा था कि प्रीटो इम्प्रूवमेंट और प्रीटो एफिशिएंसी में जो है ना वो क्या फर्क है, ये कल उसका जो है ना वो क्वेश्चन था. तो देखें जब हम बात करते हैं प्रीटो एफिशिएंसी की तो ये हमारे पास वो पॉइंट होता है जिसमें हम मैक्सिमम करते हैं किसी एक इंडिविजुअल की जो ओवरऑल हमारे पास वेलफेयर होती है विदाउट अफेक्टिंग द वेलफेयर ऑफ अदर पर्सन. तो ये जो मूवमेंट होती है ना, यानी देखें ये एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है जी, जी से एच और एच से पी की तरफ जो ये जो मूवमेंट है हमारी, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मूवमेंट टू अचीव द प्रीटो एफिशिएंट एलोकेशन, इसको प्रीटो इम्प्रूवमेंट का नाम दिया जाता है. यानी प्रीटो एफिशिएंट एलोकेशन को अचीव करने के लिए हम जो रीएलोकेट करते हैं रिसोर्सेज को टू मेक एट लीस्ट वन पर्सन बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग एनी वन एल्स वर्स ऑफ, उसको जो है ना वो प्रीटो इम्प्रूवमेंट का जो है ना वो नाम दिया जाता है. ये इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है कि आ रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज दैट मेक्स एट लीस्ट वन पर्सन बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग एनी वन एल्स वर्स ऑफ, तो इसको प्रीटो इम्प्रूवमेंट का नाम दिया जाता है. यानी अगर हम पॉइंट जी से स्टार्ट करें तो पॉइंट जी से पॉइंट एच और पॉइंट ए से पॉइंट पी पे जो हमारी मूवमेंट है इसको जो नाम दिया जाता है उसको प्रीटो इम्प्रूवमेंट का जो है ना वो नाम दिया जाता है. अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास वही सूरत हाल आ जाती है जो लास्ट हमने जो है ना वो डिस्कस की थी कि अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास ई जी जो है ये वाला जो है ये हमारे पास जो ई पी टू है दिस वन, ये हमारे पास हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन का इंडिकेटर है, इंडिफरेंस कर्व है ईव का. और दूसरी तरफ हमारे पास जो ए पी टू है ये वाला, ये हमारे पास एडम का जो है ना वो हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन का जो है ना वो पॉइंट है. अब अगर हम पॉइंट जी से जो है ना वो स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल उसी तरह से जैसे इनिशियली हमने लास्ट जो है ना वो स्टार्ट किया था. अब पॉइंट जी को अगर हम देखें तो पॉइंट जी जो है ये अगर एडम के हिसाब से हम देखें तो ये ए जी पे जो है ना वो फॉल कर रहा है. और ए जी जो है वो ए पी टू की निस्बत लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को जाहिर करता है. हम जानते हैं कि ये एडम का ओरिजन है, साफ जाहिर है. तो जितना एडम का इंडिफरेंस कर्व जो है वो उसके अपने ओरिजन से करीब होगा उतना ही वो लेस लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को जो है ना वो इंडिकेट करेगा. ओके जी.
तो यहाँ पे पॉइंट जी पे एटम है जी ए जी के ऊपर, और इस पॉइंट जी के ऊपर जो ईव है उसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है, अगर उसको देखें तो वो ई जी हमारे पास जो है ना वो ईव का जो इनडिफरेंस कर्व है वो है, और ये जो ई जी है ये ईव का जो ओरिजिन है उससे जो है ना वो करीब 3 है, लिहाजा ये ईव के लिए लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को जो है ना वो इंडिकेट करता है। तो अगर हम यहाँ से डेविएट करते हैं पॉइंट जी से, और पॉइंट जी से डेविएट करके अगर हम जो एडम है उसका इनडिफरेंस कर्व जो है ना वो बना देते हैं AP2, फॉर एग्जांपल हायर इनडिफरेंस कर्व, यानी अगर आप देखें तो AP2 जो है वो AG की निस्बत जो है ना वो हायर है, और दूसरी तरफ जो ईव है उसको अगर हम जो है वो ट्रांसफर करते हैं EG से EP2 की तरफ, ठीक है, तो ये भी हायर जो है ना वो हमारे पास ईव का जो है ना वो इनडिफरेंस कर्व आ जाएगा। यानी पॉइंट जी से जब हमने डेविएट किया तो हम कहाँ पे गए, हम जो एडम है उसके भी हायर इंडिफरेंस कर्व पे चले गए और जो ईव है उसके भी हायर इंडिफरेंस कर्व पे चले गए। अब देखिए ना ईव का ये ओरिजिन है तो ये दूर है EP2 जो है वो ई जी की निस्बत ओरिजिन से, इसी तरह से जो AP2 है वो जी की निस्बत दूर है, तो यहाँ पे हमें जो एक पॉइंट हासिल हुआ जिसको P2 कहते हैं, दिस वुड बी प्री टू एफिशियंट पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे दोनों बेटर ऑफ है, जो एडम है वो भी बेटर ऑफ है और जो ईव है वो भी बेटर ऑफ है, यानी EP2 जो है ये ईव के लिए हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है और इसी तरह से जो AP2 है वो एडम के लिए हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है। यानी जब हम पॉइंट जी से डेविएट करते हैं तो दोनों ही हमारे पास जो है ना वो बेटर ऑफ हो जाते हैं। इसी तरह से ये तो वही है एज सच, ये वाली जो है ना डायग्राम एज सच नीचे पास ऑन की हुई है। अब लुक एट दिस पार्ट ऑफ द डायग्राम, ये जो हमारी फिगर का ये वाला पार्ट है, अब इसमें अगर आप देखें तो दीज आर द इनडिफरेंस कर्व्स ऑफ ईव, ये देखिएगा ये जो है ये ईव का इनडिफरेंस कर्व है, इसी तरह से ये जो है ये भी ईव का इनडिफरेंस कर्व है, ओके जी, और ये हमारे पास यानी एडम के इनडिफरेंस कर्व है, ये एडम का इनडिफरेंस कर्व है, और इसी तरह से ये भी हमारे पास जो है ना वो एडम का जो है ना वो इनडिफरेंस कर्व है। इसको मैंने डैश बनाया है ताकि आप लोग समझ सकें। फर्ज करें वी आर एट आर्बिट्रेरी पॉइंट के, ये जो आर्बिट्रेरी पॉइंट के है इसको अगर आप देखें तो इस पॉइंट से अगर हम डेविएट करें तो हम प्रीटो एफिशिएंट पॉइंट पे जो है ना वो पहुंच सकते हैं। प्रीटो एफिशिएंट पॉइंट पे इस तरह से पहुंच सकते हैं कि वी कैन मेक वन पर्सन बेटर ऑफ विदाउट अफेक्टिंग द वेलफेयर ऑफ अदर अदर इंडिविजुअल और अदर पर्सन जो है। अगर हम यहाँ से P3 की तरफ आते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका जो एडम है उसका तो इंडिफरेंस कर्व वही है ये वाला जो है, लेकिन जो ईव है वो पहले से हायर इंडिफरेंस कर्व पे जो है ना वो आ जाएगी। इसी तरह से अगर हम यहाँ से यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे भी जो है एडम का जो है ना वो हायर इंडिफरेंस कर्व जो है ना वो हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास बहुत से ऐसे इंडिफरेंस कर्व होते हैं जहाँ पे हम जो है वो पेटो एफिशिएंट एलोकेशन जो है ना वो ले सकते हैं। तो अब आप देखें तो इसको अगर आप एक्सटेंड करें, फॉर एग्जांपल ये पहली डायग्राम जो हमने ऊपर बनाई थी और इसी तरह से जो ऊपर हमने डायग्राम बनाई है, तो लुक एट द सिमिलैरिटी बिटवीन दीज डायग्राम्स। इसमें देखें तो जहाँ पे दोनों इन डिफरेंस कर्व टेंजेंट हो रहे हैं, लुक एट दिस, एक दूसरे को टेंजेंट जो है ना वो हो रहे हैं, ये देखिए, ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स हैं दीज आर प्रीटो एफिशिएंट एलोकेशन पॉइंट्स, यानी यहाँ पे प्रीटो एफिशिएंसी जो है ना वो आपको मिल रही है इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर है। तो इसको हम इससे ज्यादा नंबर्स पे जो है ना वो एक्सटेंड कर सकते हैं, लुक एट इट, इस पे देखें तो ये इंडिफरेंस कर्व जो आपकी ईव का है और इसी तरह से ये एडम का इंडिफरेंस कर्व है, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसी तरह से ये आपका ईव का इंडिफरेंस कर्व है, ये एडम का इंडिफरेंस कर्व है, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, लुक एट दिस पॉइंट, ये पॉइंट है, इसी तरह से ये वाला पॉइंट है जहाँ पे टेंजेंसीज बन रही हैं, ये वाला पॉइंट है, इसी तरह से ये वाला पॉइंट है। तो यहाँ पे आपके पास ये जो पॉइंट्स हैं ये पॉइंट्स सारे के सारे प्रीटो एफिशिएंट जो है ना वो पॉइंट आपके सामने है, यदि ऑल दीज पॉइंट्स आर प्रीटो एफिशिएंट पॉइंट्स जो है, तो लोकस ऑफ ऑल द प्रीटो एफिशिएंट पॉइंट्स इज कॉल्ड द कॉन्टैक्ट कर्व, कि अगर आप इन प्रीटो एफिशिएंट पॉइंट्स को दोनों ओरिजिन से मिला देते हैं एक लाइन के जरिए से, तो जो आपका कर्व बनेगा उस कर्व को नाम दिया जाता है कॉन्ट्रैक्ट कर्व। इसको यहाँ पे आप एम कह ले, नाम दे ले एम एम, ये हमारे पास एक कर्व बन गया है। अब ये कर्व बना कैसे है, ये कर्व हमने बनाया है दो
हमारे पास जो आप कह लेंगे ओरिजन थे एडम का ओरिजन, और इसी तरह से हमारे पास जो ईव का ओरिजन था उसको हमने मिलाया है, और उन पॉइंट्स के साथ जो कि प्रीटो एफिशिएंट जो है ना वो पॉइंट है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट कर्व होता है ये हमारे पास एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को जो है ना वो इंडिकेट करता है, क्योंकि इस पे वाकई हर पॉइंट जो है वो एडम और ईव दोनों के लिए जो है ना वो बेस्ट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को जो है ना वो इंडिकेट करता है। अगर हम इसमें से किसी एक पॉइंट से डेविएट करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम एफिशिएंट एलोकेशन से जो है ना वो डेविएट जो है ना वो कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें, अगर हम मैथमेटिकल बात करें तो ये देखिएगा ये कर्व है जो कि हमारे पास ईव का जो है ना वो इंडिफरेंस कर्व है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास ही एडम का इंडिफरेंस कर्व है। ये जो पॉइंट P3 है, इस पॉइंट को अगर आप गौर से देखें तो इस पॉइंट पे जो एडम का इंडिफरेंस कर्व है और इसी तरह से हमारे पास जो ईव का इंडिफरेंस कर्व है, इन दोनों के जो स्लोप हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं। यानी एट पॉइंट थ्री द स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व्स ऑफ एडम एंड ईव आर इक्वल, यानी इन दोनों के स्लोप्स इक्वल है। अब हम जानते हैं कि जो स्लोप होता है इंडिफरेंस कर्व का उसको मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का जो है ना वो नाम दिया जाता है। ये आप प्रीवियस क्लासेस पे आपने डिटेल डिस्कस किया हुआ है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। जस्ट टू रिमाइंड यू कि उसको हम यू कह सकते हैं कि एन इंडिविजुअल विलिंगनेस टू ट्रेड वन गुड फॉर एन एडिशनल अमाउंट ऑफ अनदर कमोडिटी, उसको जो है ना वो आप मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। यानी किसी एक कमोडिटी के एक एडिशनल यूनिट अचीव करने के लिए एक कंज्यूमर जो होता है किसी दूसरी चीज के जितने यूनिट्स जो है वो सेक्रीफाइस करता है उसको मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर्व के ऊपर होते हैं, ये जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसीज होती हैं वहां पे जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होगा एडम का और एडम के इंडिफरेंस कर्व का, और इसी तरह से जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होगा ईव के इंडिफरेंस कर्व का, वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। और अगर एक इससे ज्यादा हमारे पास इंडिविजुअल्स हैं तो हमारे पास जो एफिशिएंट एलोकेशन होगी या जो प्रीटो एफिशिएंसी होगी वो इस बात को इंडिकेट करेगी कि जितने भी कंज्यूमर्स हमारे हैं उन सब के जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होंगे वो इक्वल होंगे। यानी उन सब के जब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इक्वल हो जाएंगे तो फिर इसका मतलब ये होगा कि हम जो है वो प्रीटो एफिशिएंसी पे जो है ना वो खड़े हुए हैं। अगर उससे हम डेविएट करते हैं तो फिर वो हमारे लिए जो है ना वो लेस एफिशिएंसी को जो है ना वो इंडिकेट करेगा। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट थ्री जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर हम इस पॉइंट थ्री से डेविएट करते हैं, और पॉइंट थ्री से डेविएट करने के बाद फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि हम इस पे चले जाते हैं पॉइंट के पे, ठीक है। अब पॉइंट के पे अगर देखें तो ये जो पॉइंट के है इस पे जो एडम का इंडिफरेंस कर्व है वो तो यही रहेगा, ये वाला जो एडम का इंडिफरेंस कर्व है विच इज हायर वन, ये देखें एडम का जो है ना वो काफी हायर है, बहुत दूर जो है ना वो वाकई है। लेकिन पहले ईव का जो है ना वो यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व कौन सा था, ये ईव का इंडिफरेंस कर्व था, ठीक है जी। लेकिन जब हमने डेविएशन की इस पॉइंट पी थ्री से तो फिर हमारा जो आप कह लें कि ईव का इंडिफरेंस कर्व है फिर वो ये वाला बन गया, ठीक है। अब देखें पहले ईव का इंडिफरेंस कर्व ये वाला था, ओरिजिन से दूर था, लेकिन अब जो है वो ओरिजिन के करीब आ गया। अब साफ जाहिर है कि इट शोज द लेस लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, यानी ये वाला जो है ये लेस लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को इंडिकेट करता है। इसका मतलब ये है कि जब हम कॉन्ट्रैक्ट कर्व से डेविएट करते हैं या प्रीटो एफिशिएंसी इसे डेविएट करते हैं या एफिशिएंट एलोकेशन से जो है ना वो डेविएट करते हैं तो एटलीस्ट वन इंडिविजुअल जो होता है वो वर्स ऑफ हो जाता है एज कम्पेयर टू प्रीटो एफिशिएंसी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो यू मे आस्क। जी, डू यू हैव एनी क्वेश्चन?